Hello students, welcome back. This is Dr. Nupur, and in this video we are going to study about the gymnosperms. The study of gymnosperms is known as gymnospermology. Study is known as gymnospermology. Now, what do you mean by the term gymnosperm? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम विच आर हैविंग द नेकेड सीड्स. इसका मतलब इनके अंदर जो ओव्यूल है इट इज नॉट इंक्लोज्ड विद इन द ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. As a result, जो seeds produced होते हैं after fertilization, they will be naked. Clear? So we'll write here, it is the smallest group of the plant kingdom gymnosperms have naked seeds as ovule is not enclosed within the ovary wall. Clear? इनके अंदर fruits, flowers, ovary एबसेंट रहेगी जो कि किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का. क्लियर? तो यहां हम लिखेंगे इन जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर फ्रूट एंड ओवरी इज एबसेंट. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? एंजियोस्पर्म्स के हैं. तो ये एंजियोस्पर्म्स में पाए जाएंगे लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर फ्रूट और ओवरी क्या रहता है? एब्सेंट रहता है. क्लियर? देन दे आर जनरली फाउंड इन कूल टेम्परेट माउंटेन रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं. जिम्नोस्पर्म शोज आर्बोरेसेंट हैबिट. सो विल राइट हियर दे शो आर्बोरेसेंट हैबिट. आर्बोरेसेंट हैबिट से क्या मतलब है? मतलब वुडी या ट्री हैबिट को शो करते हैं. तो दे एग्जिबिट वुडी और ट्री हैबिट क्योंकि मोस्टली ये जो मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स दे कैन बी टॉल ट्रीज मीडियम साइज ट्रीज और शब्स. सो विल राइट हियर दे कैन बी टॉल ट्रीज. टॉल ट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. सो विल राइट हियर जाइंट Redwood sequoia is one of the tallest tree species. Clear? Or they can be medium-sized trees also. Or shrubs. Clear? नेक्स्ट हम देखेंगे इनके अंदर जो प्लांट बॉडी होती है मेन प्लांट बॉडी दैट इज द स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड. सो विल राइट हियर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट दैट इज डिप्लॉयड. दे पोजेस ट्रू रूट stem
एंड लीव्स, क्लियर। अब ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है मेन प्लांट बॉडी क्या शो कर रहे हैं, ये दैट इज द स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड। रूट, स्टेम और लीव्स की प्लॉयडी भी क्या होगी, डिप्लॉयड ही मानी जाएगी। क्लियर, इनको लिख लीजिए आप। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो पढ़ेंगे अपन अबाउट द ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स जो इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो यहां पर अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे दैट इज अबाउट द रूट। रूट का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरली कैसी रूट देखने को मिलती है, जनरली टैप रूट इज देयर। जनरली टैप रूट इज प्रेजेंट इन पाइनस। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल लेंगे अपन, वो साइकस और पाइनस का लेके चलेंगे, ठीक है। तो पाइनस के अंदर जो होती है द रूट्स शोस सिम्बायटिक एसोसिएशन विद फंजाई दैट फॉर्म्स माइकोराइजे। तो इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है रूट्स का विद द फंजाई दैट इज नोन एज द माइकोराइजे। तो इट इज सीन इन द केस ऑफ पाइनस। नेक्स्ट हम इसमें एग्जाम्पल जो देखेंगे दैट इज ऑफ साइकस। साइकस के अंदर जो होती है स्पेशल टाइप की रूट्स मिलती हैं, स्पेशल रूट्स प्रेजेंट दैट आर नोन एज द कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं इनके अंदर कोरल लाइक आउटग्रोथ्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर जो है सिम्बायटिक एसोसिएशन में क्या मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया। तो दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोरोलॉइड रूट्स मिल रही हैं विच पोजेस साइनोबैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर। नेक्स्ट रूट के बाद अपन बात करेंगे अबाउट द स्टेम। स्टेम इसके अंदर जो है ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है। अनब्रांच स्टेम देखने को मिलती है इन द केस ऑफ साइकस एंड ब्रांच स्टेम देखने को मिलती है इन द केस ऑफ पाइनस एंड सेड्रस। पाइनस एंड सेड्रस, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल बी ऑफ लीफ। लीफ इसके अंदर सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। सो लीफ कैन बी सिंपल और कंपाउंड। नाउ सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या होता है, इसका मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ, हालांकि इसका डिटेल जो अपन देखेंगे दैट विल स्टडी इन द मॉर्फोलॉजी द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सिंपल लीफ वो होती है, सपोज ये एक लीफ है, दिस इज सिंपल, एक ये लीफ है, दिस इज ऑल्सो सिंपल। क्लियर। इसमें जो सिंपल लीफ है उसकी जो मार्जिन्स है वो इंटायर भी हो सकती हैं या इनसाइज्ड भी हो सकती है। कटी हुई जो दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइज्ड मार्जिन्स। क्लियर। अब ये तो सिंपल लीफ है, अगर मैंने इसको इस टाइप से छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, तो ये क्या कहलाएगी, दिस विल बी नोन एज द कंपाउंड लीफ। क्लियर। तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफ है मेन लीफ जो है इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। क्लियर। अब क्योंकि यहां पर इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा दिखेगा, तो ये पिना लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। पिना मतलब ईयर,
तो इसीलिए इसको पिनेटली कंपाउंड लीफ कह देते हैं। क्लियर। एक होती है पामेटली कंपाउंड लीफ, पाम जैसी दिखेगी। अब यही इंसिशंस अगर कहाँ तक जा रहे हैं, इधर तक, इस पॉइंट तक अगर जाते हैं, इसको हम कहते हैं पीटियोल। ठीक है, यहां तक अगर पहुंचते हैं तो एक पाम लाइक स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस, इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। क्लियर। तो दो टाइप की लीफ होती है, सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो टाइप की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। क्लियर। तो यहां पर जो लीफ होती है वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। क्लियर। अगर हम साइकस की बात करते हैं तो साइकस के अंदर पिनेट लीफ मिलती है विच परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए ये जो है बनी रहती है। तो इन साइकस पिनेट लीफ इज फाउंड दैट परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। सो यहां पर अभी अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा, रूट के बारे में देख लिया, रूट कैसी रूट है, टैप रूट मौजूद है, पाइनस के अंदर जो है ये सिम्बैटिक एसोसिएशन शो करेगी विद द फंजाई एंड दैट विल फॉर्म द माइकोराइजे। साइकस की बात करें तो स्पेशल रूट्स मौजूद होती हैं, कौन सी होती हैं, कोरोलॉइड रूट्स मौजूद होती हैं। ये क्या पोजेस करती हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है तो क्या परफॉर्म करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्टेम की बात करें तो स्टेम ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। अनब्रांच में एग्जाम्पल आएगा साइकस का, ब्रांच के अंदर एग्जाम्पल आएगा पाइनस और सेद्रस का। लीफ की हम बात करें तो लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस के अंदर पिनेट लीफ मिलती है दैट विल परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। लीफ के अंदर अलग अलग टाइप के अडेप्टेशंस मिलते हैं क्योंकि बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स भी क्या हैं, ज़ीरोफाइट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एक्सट्रीम कंडीशंस क्योंकि यहाँ पर जो कोल्ड रीजन पे मिल रहे हैं तो यहाँ जो पानी होगा वो ज़्यादातर क्या होता है, बर्फ के रूप में जमा रहता है, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है प्लांट के लिए वो कम रहेगी। क्लियर। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा देखने को मिलते हैं ताकि वाटर लॉस जो हो उसके उसके थ्रू वो कम हो। ठीक है, बाय ट्रांसपिरेशन। तो थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, इसके अलावा जो लीव्स की शेप होती है कॉनिफर्स के अंदर, कोन बेयरिंग है, उनके अंदर नीडल लाइक लीव्स मिलेंगी जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स, पहले आप इसको लिख लीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन लिखेंगे दैट इज अबाउट द लीफ। ये तो हमने देख लिया, सिंपल भी हो सकती है लीफ, कंपाउंड भी हो सकती है लीफ। अब हम देखेंगे कि ये किस टाइप से अडेप्टेशन शो करती है। सो विल राइट हियर द लीफ इज अडेप्टेड to extreme temperature, humidity and wind। क्या क्या adaptation मिल रहे हैं, it possess thick cuticle, cuticle तो होता है एक तरीके का waxy covering over the surface of the लीव, थिक क्यूटिकल, इसके अलावा कैसे स्टोमेटा मिल रहे हैं, संकन स्टोमेटा इन कॉनिफर्स, नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट। ये नीडल लाइक लीव्स क्या करेंगी, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देंगी। नीडल लाइक लीव्स दैट्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया
and thus prevents loss of water. क्लियर? तो ये तो अपन ने क्या देख लिए, अडेप्टेशंस देख लिए ऑफ द लीफ. अब इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो है अबाउट द वेस्कुलर टिश्यूज. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं मिलेंगे. उसमें एक्सेप्शंस है ग्नीटम, वेलवेस्टिया एंड इफेड्रा, जिनके अंदर वेसल्स मिलेंगे, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं मिलते. सो विल राइट हियर वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट बट जाइलम लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल्स. एक्सेप्शन है इनके अंदर ऑफ ग्नीटम, वेलवेस्टिया एंड इफेड्रा. क्लियर? नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी. सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो देयर अकर्स इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द प्लांट. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसका डिटेल हम देखेंगे इन द चैप्टर प्लांट एनाटॉमी. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है दैट अकर्स बाय विंड, एंड विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं एनिमोफिली. क्लियर? यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पोलन होगा डायरेक्टली ऑन टू द ओव्यूल, क्योंकि यहाँ नेकेड सीड मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ नेकेड सीड है तो यहाँ पर डायरेक्टली ओव्यूल पे पोलन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टिग्मा नहीं होता है, यहाँ पर स्टेमेन और पिस्टिल नहीं मिलेंगे. वो किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एंजियोस्पर्म्स के. तो जो पोलन्स है वो डायरेक्टली विंड के थ्रू किस पे ट्रांसफर होते हैं, ऑन टू द ओव्यूल, एंड सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज द डायरेक्ट पॉलिनेशन. तो यहां हम लिखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड, और इसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज एनिमोफिली. Let us now discuss about the life cycle of the gymnosperms. जितने भी seed bearing plants हैं, which includes the gymnosperms and the angiosperms, सभी के अंदर heterosporous condition मिलेगा. Heterosporous condition जो है, it is the first requirement for the production of the seed. Heterosporous मतलब producing the two types of spores, that is the microspore and the megaspore. अब अगर हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की, तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज द स्पोरोफाइट. क्लियर? तो यहां हम लिखेंगे मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. जब भी हम वर्ड बोलते हैं स्पोरोफाइट, इसका मतलब ये क्या होगा, इट विल बी डिप्लॉयड. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होगा, इट विल बेयर द स्ट्रक्चर्स नोन एज द कोन और द स्ट्रोबुलाय. क्योंकि दो टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो कोन्स भी दो टाइप के मिलेंगे, द मेल कोन एंड द फीमेल कोन. तो विल राइट हियर फीमेल कोन और स्ट्रोबुलाय, ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिएट कोन. दूसरी साइड हम लिखेंगे मेल कोन और स्ट्रोबुलाय, ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन. क्लियर?
अब ये जो कोन या स्ट्रोबुलाएं हैं ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ द स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफिल हैं वो स्पायरली अरेंज होंगे अराउंड द सेंट्रल एक्सिस टू फॉर्म अ लूज और अ कॉम्पैक्ट कोन। क्लियर? तो यहाँ पर अगर फीमेल कोन की बात कर रहे हैं तो इट विल बी फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगा स्पोरोफिल, और मेल कोन की बात कर रहे हैं तो इट विल बी फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर? अब मेगा स्पोरोफिल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर दैट बियर्स द स्पोरेंजियम। क्लियर? तो मेगा स्पोरोफिल है तो ये क्या बियर करेगा? मेगा स्पोरेंजियम। अब मेगा स्पोरेंजियम बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओव्यूल। ओव्यूल इस केस में इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखेगा। इट विल बी स्ट्रेट ओव्यूल और ऑर्थोट्रॉपस। बाहर की तरफ एक कवरिंग मिलती है जिसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, विच सराउंड्स द डिप्लॉइड टिश्यू दैट इज नोन एज द न्यूसेलस, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज द माइक्रोपाइल। क्लियर? नाउ मेगास्पोरेंजियम के अंदर मिलता है मेगास्पोर मदर सेल। ये न्यूसेलस का कोई भी एक सेल डिफरेंशिएट होके किसकी तरह काम करता है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, एज अ रिजल्ट बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक ही मेगास्पोर रहेगा फंक्शनल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइलाइटिंग फीचर एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड। सीड बनने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था? हेट्रोस्पोरी कंडीशन का होना। दूसरा रिक्वायरमेंट है 4 मेगास्पोर्स में से केवल एक ही फंक्शनल रहेगा। तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स में से ओनली 1 रिमेन फंक्शनल, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये क्या बनाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज द एंडोस्पर्म। क्या अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो अपन देख लें। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये कहाँ बनेगा? ये भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मिलेगा। दीज आर द आर्चिगोनिया। दिस इज द न्यूसेलस। क्लियर? तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटेग्यूमेंट, this is representing the nucellus and this is representing the endosperm. Be careful, यहाँ पर endosperm before fertilization बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? haploid. अगर हम angiosperms की बात करते हैं तो वहाँ पर it will be formed as a result of double fertilization. तो वहाँ पर ये क्या रहता है? triploid रहता है। दोनों की ploidy में फर्क होगा। gymnosperms में होगा haploid formed before fertilization and in case of angiosperms it will be triploid formed as a result of the double fertilization. Clear? तो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और फीमेल गैमेटोफाइट को ही यहाँ पर हम क्या कह देते हैं? एंडोस्पर्म भी कह देते हैं। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्लियर? अब
ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या मिलेंगे, दिस एंडोस्पर्म दिस विल हैव टू और मोर आर्चिगोनिया, यहाँ पर टू और मोर आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट, और इस आर्चिगोनिया के अंदर क्या मिलेंगे, एक्सेल, क्लियर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो चैम्बर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द पोलन चैम्बर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिल रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मिल रहे हैं टू और मोर आर्चिगोनिया, और इन आर्चिगोनिया के अंदर क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट, दैट इज द एक्सेल। अब हम बात करें माइक्रोस्पोरोफिल साइट की, तो यहां पर अगर हम देखें माइक्रोस्पोरोफिल क्या बेयर करेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज बेसिकली द सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम सैक फॉर माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोरेंजियम सैक फॉर मेगास्पोर्स। सो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, एज अ रिजल्ट क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, क्लियर। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये किस में डेवलप होंगे, दे विल डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट। यहां पर रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है, विच इज लिमिटेड टू अ फ्यू नंबर ऑफ द सेल्स, और ये कौन रिप्रेजेंट करता है, पोलन ग्रेन, क्या इसके अंदर क्या मिलेंगे, इट विल बेयर द मेल गैमेट्स, क्या। नाउ एक चीज और ध्यान रखनी है यहां पर आपको, कि यहां पर जो गैमेटोफाइट है दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम। फीमेल गैमेटोफाइट है तो इट विल बी रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एंड मेगास्पोरेंजियम विल बी प्रेजेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। सेम इज द केस हियर, मेल गैमेटोफाइट विल बी रिटेन्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड विच विल बी रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो था, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो था वो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटिंग फीचर विच यू शुड रिमेम्बर, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड, क्लियर। अब यहां पर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होगा एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होगी, एन, सो एन प्लस एन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज 2n। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जिसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n, एंड एम्ब्रियो विल फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेन प्लांट बॉडी, दैट इज द स्पोरोफाइट, क्लियर। अब इसके अलावा कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये कि जो साइकस है उसके अंदर फीमेल कोन नहीं मिलता, इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट। तो उसके अंदर जो साइकिल शुरू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मेगास्पोरोफिल से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होगा, टू और मोर आर्चिगोनिया बोला है मैंने इन द फीमेल गैमेटोफाइट, तो अब इसके अंदर किस टाइप से फर्टिलाइजेशन होगा अकम्प्लिश वो अपन देखते हैं। पोलन्स जो हैं, पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट को। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, विंड पॉलिनेशन या एनेमोफिली। ये पोलन ग्रेन्स किसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहे हैं। अब
आफ्टर देयर डिस्पर्जल दे विल बी रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये विंड के थ्रू किसके पास आएंगे, दे विल रीच दिस फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इस ओव्यूल पर आते हैं, क्लियर। अब ये जो ओव्यूल है यहाँ पर क्या होगा, इस पोलन चैम्बर के थ्रू बाहर की तरफ जो है कुछ एक्सुडेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ सेक्रीशन से देखने को मिलता है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट जो विंड के थ्रू जो यहाँ पोलन्स आ रहे हैं, दे गेट स्टिक इन दिस एक्सुडेशन, इस एक्सुडेशन के अंदर वो क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और ये जो मटेरियल है फिर धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। जैसे ही ड्राई होगा तो पोलन्स जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, इनसाइड द पोलन चैम्बर, क्लियर। अब पोलन्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट कर ये क्या बनाते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है दो टाइप के जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म्स एंड हायर जिम्नोस्पर्म्स। लोअर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, और हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। पोलन ट्यूब दोनों में मिलेगी, लेकिन गैमेट्स का फर्क है कि ये मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं, क्लियर। अब ये जो गैमेट्स है देन दे विल मूव टुवर्ड्स द आर्चिगोनियल नेक, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द आर्चिगोनियल नेक, एंड फाइनली दे विल एंटर इनटू द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर क्या मौजूद है, आर्चिगोनिया के अंदर मिल रहे हैं एग सेल और द फीमेल गैमेट, जिसके साथ ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। एक पोलन ट्यूब जो है वो कितने गैमेट्स लेके जाएगी, दो मेल गैमेट्स, जिसमें से एक फर्टिलाइज होगा, दूसरा डीजनरेट हो जाता है, क्लियर। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि यहाँ दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी ज्यादा एग सेल का होगा और एम्ब्रियोज भी ज्यादा बनेंगे। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है पॉली एम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन, पॉली एम्ब्रियोनी इज फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज, पॉली एम्ब्रियोनी इनके अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरीके से जो है इनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन अकम्प्लिश होगा, एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, जायगॉट, जायगॉट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बन जाएगा स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो हम कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, वो लेकर चलते हैं ऑफ साइकस एंड पाइनस। तो अगर हम साइकस की बात करें तो इट इज डाइशियस, यानी कि इसके अंदर जो फीमेल कोन तो मिलेगा नहीं, मेगा स्पोरोफिल और मेल कोन जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। और पाइनस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेल एंड फीमेल कोन विल बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सो इट विल बी मोनोइशियस। तो यहाँ हम लिखेंगे साइकस क्या होता है, इट इज डाइशियस, एंड पाइनस जो होगा इट विल बी मोनोइशियस। अब आप जैसा देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो रिड्यूस्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, और किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। इसीलिए यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि डोमिनेंट फेज जो होगा यहाँ पर वो कौन सा फेज होगा, दैट विल बी द डिप्लॉइड फेज। तो किस टाइप की लाइफ साइकिल मिल रही है जिम्नोस्पर्म की, इट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज साइकैडोफाइटा एंड कॉनिफरोफाइटा। साइकैडोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखने को मिलती है अनब्राउन स्टेम, मोटाइल मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, एंड दे शो जोइडोसाइफनोगैमी। मोटाइल मेल गैमेट्स तो मिलेंगे लेकिन इसके अंदर पोलन ट्यूब भी बनती है।
इनको हम लोअर जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें कॉनिफरोफाइटा तो इनको हम हायर जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। इनके अंदर ब्रांच स्टेम होगा, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होंगे, एंड इनके अंदर पाई जाएगी साइफनोगैमी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब क्या लेकर जाती है? मेल गैमेट्स लेकर जाती है। साइकेटोफाइटा के एग्जाम्पल में आता है साइकस। साइकस को हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल से क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज फाउंड प्रेजेंटली बट विद द प्रिमिटिव फीचर्स। अभी भी मिलता है लेकिन प्रिमिटिव फीचर्स के साथ मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल। क्लियर? अब इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स है। सबसे पहला तो अपन क्या कहेंगे, इसको हम सागो पाम भी कहते हैं, एस सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम। क्लियर? इसके अलावा इसके जो मेल गैमेट है, मेल कोन, ओव्यूल एंड एग आर द लार्जेस्ट। इसका मेल गैमेट, मेल कोन, ओव्यूल और एग जो माना जाता है वो लार्जेस्ट माना जाता है। क्लियर? देन इसका जो मेल गैमेट है दैट इज टॉप शेप्ड। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉनिफरोफाइटा की। इसके जो एग्जांपल्स होंगे, इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल आएगा वो आएगा गिंको का। गिंको जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? वी आल्सो कॉल इट एज अ मेडन हेयर ट्री। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द लिविंग फॉसिल। ये भी एक तरीके का लिविंग फॉसिल है। सेकेंड एग्जाम्पल आता है पाइनस। पाइनस की जो स्पीशीज हैं इनसे मिलता है एक रेजिन दैट इज अ टर्पेंटाइन विच इज यूज इन मेकिंग द वॉर्निश। वॉर्निश बनाने के काम में आता है। इसके अलावा पाइनस की जो कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि गिराडियाना, इसको हम चिलगोजा पाइन भी कहते हैं। इसके जो सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं। क्लियर? ऐसे ही पाइनस रॉक्सबर्गी, इसको हम चिर पाइन भी कहते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है टैक्सस का। टैक्सस से एक रेजिन मिलता है दैट इज टैक्सोल विच इज यूज एज एंटी कैंसर ड्रग। ऐसे ही इफेड्रा से मिलता है इफेड्रिन दैट ऑल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यू एंड इट इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अस्थमा। अस्थमा में यूज होती है। देन इसके अलावा जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा अराउकेरिया एक्सेल्सा का, विच इज यूज एज एन ऑर्नामेंटल। इसे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। देन एग्जाम्पल आता है सिकोइया। रेडवुड ट्री इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लिविंग फॉसिल। क्लियर? एंड देन आता है ग्नीटम। सो यहाँ पर मैंने जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स आपको लिखा दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है,
आपको लिविंग फॉसिल्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं लिविंग फॉसिल्स, साइकस हो गया, गिंको हो गया एंड सिकोइया हो गया। अगर हम साइकस की बात करते हैं तो इसका मेल गैमेट, मेल कोन, ओव्यूल और एग जो होता है वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है। मेल गैमेट इसका जो होगा वो टॉप शेप्ड होगा। कॉनिफेरोफाइटा की अगर हम बात करें तो गिंको को हम मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। पाइनस की जो स्पीशीज़ होती हैं उसके अलग अलग यूजेस हैं। गिराडियाना की बात करें तो चिलगोजा पाइन कहते हैं, इसके जो सीड्स हैं वो एडिबल हैं। रॉक्सबर्गी को चिर पाइन कहा जाता है। पाइनस के जो पोलन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इसके जो पोलन्स होंगे वो कैसे होते हैं, विंग्ड पोलन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लियर। टैक्सस से मिलता है टैक्सोल विच इज यूज एज एन एंटी कैंसर ड्रग। इफेड्रा से मिलता है इफेड्रीन जिसका यूज होता है अस्थमा में। अराउकेरिया एक्सेल्सा इज द क्रिसमस ट्री विच इज ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। सिकोया इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लिविंग फॉसिल एंड रेडवुड ट्री इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ग्नीटम जो होगा वो भी इसी कैटेगरी में इंक्लूडेड रहेगा। क्लियर। अब ये तो था जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स को टेरिडोफाइट से कंपेयर करें तो कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज की तो क्या क्या सिमिलैरिटीज मिलेंगी, दोनों ही क्या हैं इनके अंदर, जिम्नोस्पर्म देखें चाहे टेरिडोफाइट्स देखें, दोनों के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। दोनों के अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता है। क्लियर। दोनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, दोनों के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव अगर हम देखें तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड बनता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सभी मेंबर्स हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करेंगे, जबकि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो है कुछ ही मेंबर्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस। क्लियर। अब टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिलती है, जोइडोगैमी। जोइडोगैमी मतलब मोटाइल मेल गैमीट्स होंगे एंड दे विल ट्रेवल थ्रू वाटर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा जाता है, लोअर एंड हायर जिम्नोस्पर्म्स। दोनों के अंदर जो है पोलन ट्यूब बनता है। लोअर जिम्नोस्पर्म्स में हालांकि मोटाइल गैमेट्स होते हैं और हायर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हालांकि नॉन मोटाइल गैमेट्स होंगे, लेकिन पोलन ट्यूब दोनों के अंदर बनेगा। क्लियर। देन जो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनियम दोनों मिल रहे थे, जबकि जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्चिगोनियम तो मिलता है लेकिन एंथ्रीडियम नहीं मिलता। तो अगर हम बोलें विच इज़ द लास्ट ग्रुप विद द एंथ्रीडियम, देन इट इज़ द टेरिडोफाइट। एंड इफ विल से विच इज़ द लास्ट ग्रुप विद द आर्चिगोनियम, देन इट विल बी द जिम्नोस्पर्म। जैसे जैसे हम ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है स्पोरोफाइट क्या होता जा रहा है, वेल डेवलप्ड होता जा रहा है, और गैमेटोफाइट क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं ये क्या होंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। ठीक है, डिप्लॉन्टिक मतलब इनके अंदर जो डोमिनेंट फेज होगा वो डिप्लॉइड फेज होगा, और जो हैप्लॉइड फेज होगा वो गैमेटोफिटिक होगा, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड मिलता है। एंजियोस्पर्म्स में तो और ज़्यादा रिड्यूस्ड मिलेगा। क्लियर। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की तो वहाँ पर लाइफ साइकिल कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में कैसी है, डिप्लॉन्टिक। दिस वॉज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स।